Hello everybody, I'm making this video for factors of any number. इस वीडियो में मैं आपको किसी नंबर का फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं इजी तरीके से वो बताऊंगी. अभी तक आपने जो मेरे वीडियोस देखे हैं उसमें आपके लाइक्स और कमेंट्स बहुत हेल्पफुल रहे हैं, तो इस पे भी आप अगर वीडियो आपको पूरा देखेगा और अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा. नाउ व्हाट इज अ फैक्टर एंड व्हाट इज मल्टीपल, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को प्राइमरी सेक्शन में. तो सबसे पहले तो उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फैक्टर क्या होता क्या है. अब हम जो टेबल्स लिखते हैं आपने देखा होगा, हम टू से स्टार्ट करते हैं टेबल को. सो टू वन जा टू, हियर इट इज, दिस नंबर इज कॉल्ड मल्टीपल एंड दीज टू नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स. लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल. सपोज फाइव थ्री जा 15. Now 15 is multiple, 3 is factor, 5 is factor. Okay? So tables, जब two numbers multiply हो गए एक big number मिलता है, जो big number मिलता है वो हो जाता है multiple, और जो small two numbers होते हैं जिनको multiply करके हमने लिया होता है उनको अगर अकेले अकेले call करें individually तो वो factors कहलाते हैं. अब आता है कि हम किसी नंबर का फैक्टर कैसे निकालते हैं. यहां तो 15 है, हम मान लीजिए कोई और नंबर लेते हैं, सपोज करिए 60. हमने 60 लिया, ठीक है. अब मुझे इसका फैक्टर निकालने की, मैक्सिमम कितने फैक्टर्स इसके अंदर हमें मिल सकते हैं. तो ऐसे डायरेक्ट तो दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी. हम क्या करते हैं, डिविजन मेथड स्टार्ट करते हैं. सबसे छोटा नंबर होता है 1, उसके छोटा होता है 2. तो 1 तो कुछ भी डिवाइड करेगा तो 60 आएगा, तो हम 2 लेते हैं. 2 से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 3 और ये आ गया 0, ठीक है. फिर अब ये लास्ट डिजिट 0 है. आप ध्यान दीजिए किसी भी नंबर में जो लास्ट डिजिट अगर आपके पास 0 2 4 6 8, अगर लास्ट डिजिट ये हो, इनको इवन नंबर्स भी कहते हैं जीरो को छोड़ के, तो वो जो डिजिट होता है वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा. तो यहां पे देखिए 0 है, तो जब तक ये लास्ट डिजिट अवेलेबल होगा हम 2 लेते चले जाएंगे. सो 2, अब ये 30 को 2 से डिवाइड किया, फर्स्ट डिजिट लिया, फर्स्ट डिजिट के लिए 2 वन जा 2, इसने 1 इसको दिया, 10 का हो गया यहाँ पे 15. अब देखिए लास्ट डिजिट क्या है, इस ग्रुप में से नहीं है, 2 4 6 8, 0 वो तो है नहीं. तो अब हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं, 2 के बाद नेचुरली 3 आता है. अब 3 का चेक करने का भी कंडीशन है, जब हम किसी नंबर को डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 3 से, तो सबसे आसान तरीका क्या है, डिजिट का सम कर दो. यहाँ पे 2 डिजिट है, क्या डिजिट है, 1 और 5. 1 और 5 को प्लस किया तो क्या आया यहाँ पे 6. 6 अगर आ रहा है तो ये 3 से डिविजिबल है, यानी कि जब दोनों डिजिट को प्लस करने से डिविजिबल है तो 3 ले लिया. 3 5 15. अब ये 5 से जाएगा तो 5 1 5. अब लास्ट में 1 आने के बाद हमारा डिविजन करने का स्टेप्स खत्म हो गए. अब हम लिस्ट बनाना शुरू करते हैं फैक्टर्स की. तो सबसे पहली लिस्ट हम अंदर वाले नंबर की बना लेते हैं, 60 30 15 5, ठीक है. फिर हम क्या करते हैं कि ये जो बाहर के डिजिट्स हैं इनको एज इट इज मल्टीप्लाई में लिखते हैं, 2 2 3 5, ठीक है. अब इसके अंदर से कोई है यहां पर, नहीं है, तो इनको भी इंडिविजुअली भी लिख लेते हैं, 2 3 5 ऑलरेडी है तो 5 को छोड़ देते हैं. अब हम इनके कॉम्बिनेशन भी लिखेंगे. हमने फर्स्ट 2 कॉम्बिनेशन लिए तो ये क्या आया, 4, तो एक नंबर और आ गया हमारे पास 4. फिर दूसरा कॉम्बिनेशन लिया हमने इन तीनों का, 2 × 2 × 3 कितना आया, 2 2 जा 4 × 3 यानी कि 12,
एक और आ गया नंबर 12। अब हम एक ये तो डायरेक्ट हो गया, अब देखिए कोई और कॉम्बिनेशन अवेलेबल है यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 है तो एक कॉम्बिनेशन और आ गया हमारे पास, 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 10 है इस लिस्ट में, नहीं है तो एक कॉम्बिनेशन हमारा 2 5 जा 10 भी हो गया। अब चेक करिए, अब क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हम इसके अंदर से, जैसे देखिए 32 जा 60, 15 4 जा 60, 5 किसके लिए आया, 12 के लिए, 5 12 जा 60, 2 तो हमने ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, 3 भी कर चुके हैं, 3 के लिए बचा है, 3 का कॉम्बिनेशन या कॉम्प्लीमेंट्री नहीं आ रहा है, 3 का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं आ रहा है तो सोचिए क्या आएगा, 2 2 जा 4 5, यहाँ पे देखिए अगर हम एक नया कॉम्बिनेशन देखते हैं, ये 4 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 20, तो एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे 20 भी बचा है। अब चेक कर लेते हैं जहां पे जितने नंबर हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री नंबर भी इसी लिस्ट में आने चाहिए, नहीं तो ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो देखिए आपका 2 का आ गया 30, 3 का आ गया 20, 4 के लिए 15 और 5 के लिए 12, 6 के लिए 10, दैट मीन्स अब सबका पेयर यहाँ पे अवेलेबल है, तो हमारा फैक्टर फाइंड आउट करने का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, 72 लेके चलते हैं, सपोज करिए 72, फिर वही पुराने तरीके से 2 लिया सबसे पहले और तब तक लेते जाएंगे जब तक कि 2 के अलावा बच जाए, सो 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, फिर से 2 लिया, फिर 18, जब तक कि ये लास्ट के डिजिट आपके क्या रहे, 2 4 6 8 0, 2 9 जा 18, अब देखिए वो लास्ट का डिजिट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो अब ये 9 बचा, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबर लोगे आप 3 3 3 जा 9, 3 3 1 जा 3। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट में ये वाले नंबर जो जिसके डिविजिबिलिटी वाली शुरू हुई थी लाइन वो उठाएंगे कॉलम, तो 72 36 18 9 और 3 और 2, ये उठा लिए। अब बचे ये वाले नंबर, इनको उठाना शुरू करिए, 2 into 2 यानी कि 4, फिर ये उठाइए 2 into 2 यानी कि 8, फिर ये उठा दीजिए 3 यानी कि 8 3 जा 24, फिर नेक्स्ट ले लीजिए, अब 24 को 3 से करेंगे तो 72 आएगा। अब इसके कॉम्बिनेशन आपस में एक बार चेक कर लीजिए, देखिए ये 2 2 जा 4 तो है ही हमारे पास, ले लिया, 2 2 जा 4 अगेन है, 2 3 जा 6 नहीं लिया है तो एक 6 भी ले लीजिए, ये उठा के ये आ गया 6, यहाँ पे आ गया 6, और कोई कॉम्बिनेशन बचा, देखिए अब ये 6 है, ये इन दोनों का लिया लेकिन बीच में ये 4 भी तो बचा है, इस 4 को एक बार इसके साथ फिर से ले लीजिए, दैट मीन्स 6 into 2 एक बार आ गया, आया तो ये क्या बचा 12, और कोई कॉम्बिनेशन है, 8 3 जा 24 ले ही चुके हैं, 3 4 जा 12 है यहाँ पर, ले ही लिया, और 2 2 जा 4 है, 1 3 तो छोड़ा हुआ था अभी, हाँ कॉम्बिनेशन अभी और आएगा, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 तो है ऑलरेडी, 9 4 जा 36 भी है, हाँ ठीक है। तो देखिए अब इस यहाँ से चेक करते हैं हम कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं, यहाँ पर 36 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 72 आएगा 2 से तो 2 है, 18 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 2 आएगा, 18 4 जा 74, ठीक है 72 आ गया। 9 को किससे करोगे, 9 को आप करोगे 9 का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं आ रहा है अभी यहाँ पे जिससे 72 आए, तो 9 है 8, यस 9 का भी हो गया। अब 3 का 24 है, ठीक है, 2 का 36 है ही, फिर बचा कौन सा 6, और 6 और 12 आपस में हो गए, तो यस हमने सारे फैक्टर्स इसमें बना लिए, सो हमारा ये 72 के फैक्टर्स की लिस्ट भी आ गई। आई होप आपको ये मेथड थोड़ा अच्छा लगा होगा, और इस मेथड को यूज करने के बाद आपको
किसी भी नंबर के जो मैक्सिमम नंबर जितने अवेलेबल हैं सारे फैक्टर्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। और इनके फिर फैक्टर ट्री बनाने का तरीका यही हो जाता है कि इस चीज को आप ऐसे ब्रेक करके, फैक्टर ट्री होता है सपोज करिए ये 72 है, यहाँ पे आपने 36 और यहाँ आपने 2 लिख लिया, उसके बाद फिर ये देखिए 36 इस ये जो वाली चीज बनाने से आप फैक्टर ट्री भी आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से ये इस तरह से डिवीजन करके आपके ये फैक्टर ट्री भी तैयार हो गया, और मैक्सिमम पॉसिबल कितने फैक्टर्स हैं वो मैंने इसमें आपको सिखाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।